दिल्ली के कंजावला मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने छठे मुलजिम आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली दरिंदगी केस में मुलजिम आशुतोष गिरफ्तार हुआ। बता दें कि आशुतोष दरअसल वारदात में इस्तेमाल कार का मालिक है। कंजावला वारदात को आशुतोष की कार से अंजाम दिया गया था और आशुतोष इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी खबर है और कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इस मामले में हर गुजरते दिन के साथ एक नया मोड़ आ रहा है। दो और मुलजिम कल पुलिस ने बनाए थे और उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर है कंजावला मामले से जुड़ी हुई। पुलिस ने छठे मुलजिम आशुतोष को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्त में है की तलाश पुलिस को है अभी, और उसकी तलाश जारी है। उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद पुलिस ने जाहिर की है। दिल्ली दरिंदगी केस में मुलजिम है आशुतोष, जिसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जिस कार से पूरे वाकये को अंजाम दिया गया वो कार आशुतोष की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार का इस्तेमाल इस हादसे में हुआ था, इस एक्सीडेंट में किया गया, उसे आशुतोष की कार से ही अंजाम दिया गया था। और अब इस वक्त आशुतोष पुलिस की गिरफ्त में है। अहम खबर है दिल्ली कंजावला मामले से जुड़ी हुई। बता दें कि पुलिस ने छठे मुलजिम आशुतोष को गिरफ्तार किया। दिल्ली दरिंदगी केस में मुलजिम आशुतोष गिरफ्तार हो चुका है। आशुतोष दरअसल वारदात में इस्तेमाल कार का मालिक था और इस वक्त आशुतोष से भी पूछताछ की जाएगी। बता दें कि मुलजमीन ने इस पूरे वाकये को अंजाम देने के बाद रोहिणी में अपनी गाड़ी को पार्क किया था। आशुतोष की वो गाड़ी थी और सबूत मिटाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई, ऐसा इल्जाम भी पुलिस ने लगाया है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया था उसी दिन, और अब आशुतोष की गिरफ्तारी भी की गई है। आशुतोष ने अपने दोस्तों को गाड़ी दी थी और अब जो गाड़ी का मालिक है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और मुलजिम है जिसकी इस वक्त तलाश जारी है। सीसीटीवी में आशुतोष को देखा गया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर है दिल्ली के कंजावला मामले में। पुलिस लगातार इस मामले में अब एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। कई तरह के सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े किए गए थे, लेकिन अब जो जांच है उसे तेज किया गया है। वजारत दाखिला को यहां रिपोर्ट सौंपनी है और इसीलिए हर कड़ी पर पुलिस नजर बनाए हुए है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए, आशुतोष को गिरफ्तार किया गया। अब कई और पहलू हैं जो खुलेंगे, क्योंकि गाड़ी में से सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई थी। रोहिणी में गाड़ी को पार्क कर मुजरिम ने फरार होने की कोशिश की थी। पुलिस ने पांचों को तभी गिरफ्तार कर लिया था, और आशुतोष जिसकी एक गाड़ी बताई जा रही है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली दरिंदगी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली के कंजावला में एक और गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले में इस मुलजिम का रोल बताया जा रहा है। बता दें कि जिस कार से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो कार आशुतोष की थी, और अब आशुतोष भी पुलिस की गिरफ्त में है। उससे पूछताछ की जाएगी, आखिर उसके दोस्तों ने उसे क्या बताया, किस तरह गाड़ी जब उन्होंने सौंपी थी तो क्या कुछ कहा गया था, सबूत मिटाने की क्या कोशिश यहाँ पर हुई थी, और क्या जानकारी इस हवाले से है, ये भी कलेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस करेगी। तो बड़ी खबर है और लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुतालबा अंजलि के घर वालों की ओर से मुसलसल किया जा रहा था कि पुलिस इस कार्रवाई को सही तरह से अंजाम दे, और अब तेजी पकड़ती हुई ये कार्रवाई नजर आई।